Students, I am here with the video solutions of the assignment given to you yesterday. So here I am with the first question. So Be2+ is isoelectronic with Be2+ is isoelectronic with it is fairly simple question. तो किसके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा? आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. Be2+ बी जब ग्राउंड स्टेट में होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2-2 होता है. उसके बाद जब Be2+ होगा तो वो हो जाएगा 2. तो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसमें कौन है? 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसमें है Li+, बिकॉज Li जो है वो ग्राउंड स्टेट में रहता है 2-1 स्टेट में. तो Li+ होगा तो वो हो जाएगा 2. तो Li+ एंड Be2+ दे आर इन द सेम स्टेट. द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन विथ मोमेंटम, दिस मोमेंटम इज गिवन 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 वॉट एवर द यूनिट्स. फ्रीक्वेंसी निकालना है मतलब म्यू निकालना है, ठीक है. तो जैसा कि हमको पता है सीधा सीधा डी ब्रॉगी वेवलेंथ इज दिस अपॉन mv, एंड mv कैन बी रिटन एज मोमेंटम p, विच इज h/p. सो सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ नहीं करना है इसमें. तो लैम्डा इज इक्वल्स टू दिस है. अभी हमें पता है एक रिलेशन कि म्यू इज इक्वल्स टू c/λ. सो लैम्डा इज इक्वल्स टू c/μ. तो इन प्लेस ऑफ लैम्डा यू कैन राइट c/μ इज इक्वल्स टू h/p, इम्प्लाइज दैट वी हैव टू गेट दिस म्यू. तो म्यू विल बी इज इक्वल्स टू व्हाट? म्यू विल बी इज इक्वल्स टू c/p/h, विच इज इक्वल टू c इज द स्पीड ऑफ लाइट एज यू ऑल नो, 10 टू द पावर 8 इंटू पी. पी मोमेंटम गिवन 1.1 इंटू 10 टू द पावर 23 नेगेटिव अपॉन एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट 6.6 फेयरली माइनस 34 आई एम टेकिंग. तो देन आई एम कैंसलिंग इट 6 टाइम्स, दिस 2 टाइम्स, इट इज 1/2 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस दिस एंड दिस इज माइनस 15 बाय माइनस 34, 10 टू द पावर माइनस 34 विच विल गिव यू 0.5 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस 19, दैट विल बी प्लस 19 एंड विच कैन रिटर्न एज 5 इंटू 10 की पावर ऑफ 18. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. लाइमन सीरीज का थर्ड लाइन लाइमन सीरीज मतलब वो है कि इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो n इज इक्वल्स टू 1 पे आ रहा है. थर्ड लाइन मतलब कि 2 से नहीं आ रहा, 3 से नहीं आ रहा, वो आ रहा है 4 से. n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू 1 पे ट्रांजिशन हो रहा है h के लिए. दूसरा ये कह रहा है कि दूसरा ट्रांजिशन हो रहा है बाल्मर सीरीज ऑफ Li2+ स्पेक्ट्रम. Li2+ में बाल्मर सीरीज का पहला लाइन, बाल्मर सीरीज मतलब लाइमन बाल्मर, n इज इक्वल्स टू 2 और पहला लाइन मतलब कि डायरेक्टली जो ट्रांजिशन हो रहा है वो हो रहा है n इज इक्वल्स टू 3 से n इज इक्वल्स टू 2 पे. क्लियर है यहाँ तक? तो n इज इक्वल्स टू 3 से n इज इक्वल्स टू 2. तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है. बस कोई दिक्कत नहीं. अब तो 1/λ इज इक्वल्स टू r z² 1 है और उसके बाद 1/4 1 -1/16 और यहाँ जो लैम्डा आ रहा है 1/λ इज इक्वल्स टू 1 r. लेकिन यहाँ पे सिंस ये Li2+ स्पेक्ट्रम है, z की वैल्यू 3 है, इसलिए यहाँ पे z का स्क्वायर होता है 9. तो ये हो रहा है 1/4 -1/9. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए. सिंस देखो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यहाँ पे आप c मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड. यहाँ भी c मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी c मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी c मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी c मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उससे. उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, इसका फ्रीक्वेंसी जो इसकी आ गई वो आ गई RC और यहाँ पे आ रहा है कुछ 15/16. इसी तरह से फ्रीक्वेंसी 2 इसकी आ रही है RC और ये कुछ सॉल्व करने पे आ रहा है 9 मल्टीप्लाइड बाय ये आ रहा है अपना 5/36 जो कि कैंसिल करो 4, मतलब कि आ रहा है इधर RC 5/4 हो गया. तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए μ1:μ2. तो μ1:μ2 इज 15/16 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 बिकॉज RC तो हटेगा और ये मिलेगा 3, ये मिलेगा 4. द आंसर इज 3/4. इज इट देयर इन द ऑप्शंस? यस. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. 1 मोल फोटोन है, 1 मोल फोटोन की एनर्जी पूछ रहा है. तो एनर्जी फोटोन की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एनर्जी hμ होता है, 1 मोल है तो इतना हो गया. एनर्जी इज दिस इंटू दिस इंटू दिस, सीधा सीधा पुट करा, मल्टीप्लीकेशन करने पे 99363 आया इंटू दिस
यहाँ तक आ गया कैलकुलेट करने पे, आ रहा है 10^-6 joules। 10^-6 joules का मतलब है 1 joule। अब एक रिलेशन ये पता होना चाहिए कि 1 joule जो है 10^7 arg होता है, 1 arg हो जाएगा 10^-7 joule, 10^-6 joules हमारे पास यहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा 10 arg, आंसर ए। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी जो है वो माइनस ई है। अब हमें पता है थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये वैल्यू माइनस ई है। ई 1 चाहिए फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में हो गया, यहाँ पे बस एन की जगह पे 1 हो गया। और ये हम देख सकते हैं कि इसके और इसके बीच में यही रिलेशन है कि ये जो है ये इसका 9 times है, तो इसलिए लिख दिया 9 times ऑफ E3, और E3 की वैल्यू माइनस ई है, माइनस ई पुट किया, आंसर इज दिस -9/E विच इज द ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 7 इट इज डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। MVR इज NH/2π दैट वी नो बाय बोर्स पोस्टुलेट, एंड हियर N इज इक्वल्स टू 5, एंड हेंस MVR विल बी इज इक्वल्स टू 5H/2π, दैट इज 5/2 विल बी रिटन एज 2.5, एंड हेंस द आंसर इज डी। 8th वी नीड द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। वी नो एनर्जी इज दिस, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विल गो टू n इज इक्वल्स टू 2, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 2 यू विल गेट -3.4। इट इज अ बेटर क्वेश्चन, समझाने लायक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9th में ये कह रहा है कि HE+ है बाल्मर सीरीज में, उसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है कि वेवलेंथ सबसे कम है, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है। तो आपको पता है कि एनर्जी जो होता है HC/λ होता है, एनर्जी जो होता है वो HC/λ होता है। तो अगर एनर्जी HC/λ हो रहा है मतलब कि जितना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है एनर्जी उतनी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है वो इन्फिनाइट से कहाँ हो रहा है, लाइमन सीरीज है, कौन सा सीरीज है, बाल्मर सीरीज है। तो बाल्मर सीरीज के लिए जो इनिशियल एन होता है वो होता है 2, तो इन्फाइनाइट से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो आ रहा है 2 पे, तो ट्रांजिशन हो गया यहाँ से यहाँ। तो इसके लिए हमने वेवलेंथ निकाल लिया 1/λ, तो ये 1/λ सॉल्व करने पे आ रहा है आर, मतलब कि 1/rx है बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है ये x है, सिंपल सी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ट्रांजिशन ध्यान रखना है बस कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है मतलब कि सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी तभी रिलीज होगी जब ट्रांजिशन इन्फिनिटी से 2 पे होगा। उसके बाद Li2+ के लिए बोल रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी सीरीज की बात कर रहा है, ये पाशन सीरीज की। तो पाशन सीरीज है मतलब कि इलेक्ट्रॉन आके गिरेगा n इज इक्वल्स टू 3 पे, सब पढ़ाया हुआ है। ट्रांजिशन अब कहाँ से होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब कि शॉर्टेस्ट एनर्जी, और सबसे कम एनर्जी तभी होगी जब 4 से 3 पे आएगा वो, तो 4 से 3 पे आया, तो उसके लिए ट्रांजिशन के लिए हमने लैम्डा निकाल लिया, तो जो कि आ रहा है 7r/16, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 16/7r। अब 1/r हमारा x है, 1/r x है, तो उसकी जगह x डाले, तो लैम्डा इज इक्वल टू 16x/7, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, तो दिस इज द राइट आंसर। जस्ट पे कह रहा है कि जो पहला लाइन है लाइमन सीरीज का पहला लाइन मतलब कि ट्रांजिशन होगा 1 से 2, तो n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू सॉरी 1 n इज इक्वल्स टू 2 से n इज इक्वल्स टू 1 पे ट्रांजिशन हुआ, तो 2 से 1 पे ट्रांजिशन हुआ, सीधे सीधे से लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई 4/3r। उसके बाद बोल रहे हैं सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर मतलब 4 से 2, बाल्मर में इनिशियल फाइनली इलेक्ट्रॉन 2 पे आता है, सिंस सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन मतलब 3 से नहीं 4 से आएगा 2 पे, तो n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू 2 पे आया, उससे 1/λ2 की वैल्यू आ गई λ2। अब डिफरेंस बोल रहे हैं λ2-λ1 कर दिया, तो दिस माइनस दिस विल बी इक्वल्स टू 4/r, आंसर है आपका ऑप्शन 11। एनर्जी बोल दिया है एक्साइटेड स्टेट में -3.4 है, आपको पता है एक्साइटेड स्टेट -3.4 होती है सेकंड स्टेट में, बिकॉज पहले स्टेट में एनर्जी होती है -13.6, दूसरे स्टेट में वही फॉर्मूला से -3.4 मतलब N2 है, और N2 है तो एंगुलर मोमेंटम होगा क्या होगा NH/2π, तो N की जगह अपन रख देते हैं 2, 2H/2π कैंसिल करने पे आंसर आ गया B। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में कह रहा है कि आइस को क्या कराना है, फ्यूज़ कराना है, और उसके लिए 330 joule एनर्जी लग रही है 1 gram के लिए, तो ये उसकी लेटेंट हीट बता दिया है। तो 332 joule एनर्जी जो है ये टोटल एनर्जी है जो हमको प्रोवाइड करना है। अब एक फोटोन की एनर्जी हम देते हैं h mu से, यहाँ पे मान लेते हैं n फोटॉन्स है और हमें बताना है कि कितने फोटॉन्स हैं,
तो यहाँ पे n फोटॉन्स है, एनर्जी इज इक्वल टू ई एन एच म्यू, तो n की वैल्यू आएगी ये, सभी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे रखेंगे यहाँ पे, सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू आ गई 10^22, मतलब करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल गिवन बाय l, ठीक है। तो देखिए एस सबशेल है, उसके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, तो इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। अभी इस हिसाब से हम चेक करेंगे कौन सा फॉर्मूला सही बैठ रहा है, क्या 2l+1 सही होगा, 2l+1 के हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2l+1 मतलब कि ये हो जाना चाहिए 0+1, मतलब ये हो जाना चाहिए 1, लेकिन 1 तो नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। उसके बाद है l square तो कहीं से सही नहीं हो सकता, बिकॉज l square मतलब 0 इलेक्ट्रॉन, ना जी 0 इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4l+2 सही हो सकता है, 4l+2 इज 0+2, बिल्कुल 2, इसके लिए तो सही है। इसके लिए देखते हैं 4l+2 क्या हो जाएगा, 4 × 1+2 क्या ये 6 हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल 6 हो रहा है। इसके लिए देखते हैं 4 × 2+2 10 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 4l+2, ऑप्शन नंबर सी। फेयरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो देखिए क्या हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और अल्फा को क्या करना है, अरेंज करना है इनके चार्ज बाय मास के रेशियो में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, फिर प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन। अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो कुछ ये वैल्यूज हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट न्यूट्रॉन हल्का ज़्यादा मास में है प्रोटॉन से। तो अब अपन n पे आते हैं, इसमें n पे चार्ज नहीं होता, तो n जो हो जाएगा वो सबसे कम चार्ज होगा, जीरो चार्ज। तो मास कुछ भी हो, इसकी जो वैल्यू आ रही है, ये ओवरऑल वैल्यू इसकी जीरो ही आ रही है, ठीक है। प्रोटॉन 1 यूनिट चार्ज और मास ऑफ प्रोटॉन इज mp, 1 यूनिट चार्ज मास ऑफ दिस इज nme। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल इज सेम एज हीलियम का न्यूक्लियस, मतलब उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, सीधी सी बात। तो 2 प्रोटॉन है तो 2 यूनिट चार्ज है, 2 न्यूट्रॉन है तो नीचे मास में देखेंगे हम 2 × मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसको हमने क्या किया, 2 कॉमन वोमन निकाला, तो कुछ ये आ गया है 1/mp+mn। अब हमें इन चारों में कंपेयर करना है, सबसे पहले n तो 0 हो गया है, सबसे छोटा हो गया n। उसके बाद देखिए इसमें इसमें और इसमें, यहाँ पे 1। अब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा उसका रेशियो छोटा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर तो अल्फा का नजर आ रहा है, इसलिए n के बाद क्या होगा, अल्फा होगा। उसके बाद इन दोनों में कंपेयर करना है, तो e और p में ज्यादा मास होता है p का, तो रेशियो इसका थोड़ा छोटा हो जाएगा और इसकी रेशियो बड़ी हो जाएगी, मतलब फिर आएगा p और फिर आएगा e। तो ये जो है ये करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर है, n अल्फा P एंड E, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आप लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी अप्लाई करिए और आपका 17 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, 16 बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। एनर्जी दी हुई है 1000 जूल, 1 kW का मतलब होता है 1000 जूल पर सेकेंड। तो एनर्जी 1000 जूल, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फॉर्मूला पता है, सीधे सीधे बहुत बार रिपीट हो चुका है, एन निकाल लीजिए, वैल्यू आएगी, आंसर आएगा 1.72, आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बाल्मर सीरीज का फर्स्ट ट्रांजिशन पूछ रहा है। बाल्मर सीरीज मतलब एन फाइनली आके 2 हो जाता है, तो जो ट्रांजिशन होगा वो फर्स्ट लाइन मतलब 3 से 2 पे आ रहा है, 3 से 2 पे आ रहा है, तो 1 बाई लेमडा क्या आ रहा है, r × this सॉल्व करोगे 5r/36, आंसर है डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 ठीक ठाक क्वेश्चन है, एनर्जी जो है वो ग्राउंड स्टेट में रहती है इलेक्ट्रॉन की इतनी हाइड्रोजन एटम में। अब उसके बाद वो कह रहा है कि वो एक फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है जिसकी एनर्जी 12.75 है, तो अगर ये फोटोन वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो अब उसकी न्यू एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी इतनी जो थी, और अभी उसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी, मतलब कि अब उसकी एनर्जी इतना एब्जॉर्ब कर लिया, अब उसकी एनर्जी जो हो गई वो हो गई -0.85। अब आपको बताना है कि -0.85 किस स्टेट में एनर्जी रहती है, तो आपको पता होगा -13.6/n² करेंगे तो 1 square, तो ये 1 से छोटा नंबर नहीं आएगा। अगर 2 square करेंगे तो 4 होगा, ये भी 1 से छोटा नहीं आएगा। 3 square करेंगे तो 9 होगा, ये भी 1 से छोटा नहीं आएगा, 1 से बड़ा ही होगा। अगर 4 square करेंगे तो 16 होगा, हाँ जी ये बिल्कुल लग रहा है कि करीब इसके होगा और सच में होगा। वैल्यू निकालिए, कह रहे हैं कि कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होगा, तो जो रेडियस का रेशियो होगा वो 4:1 होगा।
आर एन का फॉर्मूला बोर्स की पोस्टुलेट से पता है हमें, ए नॉट एन स्क्वायर होता है। अगर आर वन होगा तो ये वन होगा, टू होगा तो ये फोर हो जाएगा, स्क्वायर होके नाइन हो जाएगा, ये सिक्सटीन हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है कि कहाँ पे रेशियो 4:1 दिख रहा है। सीधे सीधे आर टू बाई आर वन दिख रहा है हमें 4:1, और आर फोर बाई आर वन दिख सॉरी आर फोर बाई आर टू दिख रहा है 4:1, आर फोर बाई आर टू दिख रहा है 16:4 4:1। मतलब कि जब टू है तो टू जो आपने क्लास टेंथ में पढ़ा है के एल एम एन करके, तो टू के लिए के एल, एल होता है टू के लिए, तो यहाँ पे एल। वन होता है के लिए, तो यहाँ पे हो गया के। यहाँ पे आर फोर है मतलब एन से एल, तो ये दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कुछ भी नहीं है, फालतू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 2H/π मतलब हाइड्रोजन का पहले एक्साइटेड स्टेट में एंगुलर मोमेंटम अगर एक्स है, मतलब एम वी आर पहला एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन का, मतलब कि एन जो है उसका वो टू है, तो n 2 है मतलब nh/2π x है, मतलब h/π अगर x है तो Li2+ का भी बताना है कि पहले एक्साइटेड स्टेट में उसका क्या होगा। तो पहले एक्साइटेड स्टेट में जी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता है mvr का वैल्यू, एंड देयरफॉर ये भी जो होगा n2 होगा मतलब 2h/2π, 2 हटेगा और h/π आएगा आंसर, विच इज नथिंग बट x। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विच इज x। ठीक है, उसके बाद 21st क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो न्यूक्लियस का z वैल्यू 5 है, मतलब उसकी एटॉमिक नंबर 5 है। अब इलेक्ट्रॉन को थर्ड स्टेट से फोर्थ स्टेट में भेजना है तो कितनी एनर्जी देनी होगी, ये भी बोर्स पोस्टुलेट का क्वेश्चन है। थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि अगर 4 से 3 में भेजना है तो जो एनर्जी लगेगी वो है E4-E3। E4 की वैल्यू होती है दिस इंटू एन स्क्वायर, z स्क्वायर बाहर कर दिया मैंने, फिर ये माइनस ये बाय दिस, क्योंकि 3 के लिए 9, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 16.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। दैट्स इट। 22 क्वेश्चन एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है कि फर्स्ट ट्रांजिशन लाइमन का ट्रांजिशन अगर हाइड्रोजन में होगा, मतलब n=2 से n=1 पे होगा, तो जो भी एनर्जी की वैल्यू दिखी हुई है, देखो उस एनर्जी की वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है। आपको क्या देखना है कि लाइमन का पहला ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो उसके लिए 1/λ की वैल्यू ये है यूजिंग द रेडबर्ग फॉर्मूला सो कॉल्ड, तो यहाँ पे 3/4 हो गया। मतलब अब हमको बताना है कि बाल्मर का सेकेंड ट्रांजिशन होना है तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, मतलब लेमडा सेम होना चाहिए, बिकॉज एनर्जी इज hc/λ, लेमडा सेम होना चाहिए, इसका मतलब कि आपका 1/λ भी सेम होगा। तो एनर्जी निकालने मत जाओ, क्या करना है सीधे देख लो, 1/λ की वैल्यू जो यहाँ है वही 1/λ की वैल्यू यहाँ भी होनी चाहिए। तो अब देखो आप 4 से 2 ट्रांजिशन होगा तो यहाँ पे मिलेगा 2^2 4-16, मतलब ये हो रहा है 3/16, लेकिन आपको यहाँ चाहिए 3/4, आपको यहाँ चाहिए 3/4, तो सिंस यहाँ भी आपको 3/4 चाहिए तो यहाँ पे आपको पक्की बात है 4 चाहिए होगा। तो 4 चाहिए मतलब किस नंबर का स्क्वायर करेंगे आप, 2 का स्क्वायर, ये एटॉमिक नंबर है, किसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, जाहिर सी बात है HE+ का, तो योर आंसर इज HE+। अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सबसे आसान क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन। E=hc/λ होता है, E1 ये है, E2 ये है, रेशियो निकालना है 2:1 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 मैं ओरली एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक लेवल है हाइड्रोजन एटम का जो एब्जॉर्ब कर सकता है फोटोन को बट एमिट नहीं कर सकता। देखो एमिट करेगा तो वो नीचे आएगा, मतलब एनर्जी लेवल उसकी और नीचे आएगी। अब सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल में अगर कोई फोटोन है तो वो उसको एमिट नहीं कर सकता फोटोन, बिकॉज उससे और नीचे नहीं आ सकता वो, तो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है 1s। तो अगर 1s में कोई फोटोन है, कोई इलेक्ट्रॉन है, तो वो फोटोन एब्जॉर्ब करके ऊपर तो जा सकता है बट वो फोटोन को रिलीज नहीं कर सकता, एमिट नहीं कर सकता, इसलिए जो सबसे 24th का जो आंसर है वो है सीधे सीधे 1s। अब आते हैं, बात करते हैं 25th क्वेश्चन की। 25th क्वेश्चन जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे रिपीट हो चुका है, तो 25th इज ऑल्सो डन, इट इज अ रिपीट क्वेश्चन, तो रिपीट।